News 18, India. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खबरों के साथ करते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान में आम चुनाव है। वहां की संसद की 266 सीटों के लिए सुबह 8:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जाएंगे। मतदान खत्म होते ही वोटों की गिनती आज ही शुरू कर दी जाएगी और कल आधिकारिक तौर पर जो नतीजे होंगे उनका ऐलान कर दिया जाएगा। ताजा सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार है। अभी केयर टेकर प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के पास में, क्योंकि अगस्त में ही 2023 अगस्त में ही जो है यूं तो चुनाव हो जाने थे, लेकिन जो बाकी का काम जो कार्यकाल बचा उसमें केयर टेकर प्रधानमंत्री जो है देखरेख करते रहे पाकिस्तान की। हालांकि आपको बता दें कि कल हमने जिस तरीके से रिएक्शन सुने, पाकिस्तान की आवाम ये उम्मीद जता रही है कि जिस मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, ऐसे में कोई ऐसी सरकार मिले जो पाकिस्तान को इन मुश्किल हालातों से बाहर निकाले। क्योंकि पाकिस्तान में किस तरीके से इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है आप सब देख ही रहे हैं, और मुख्य तौर पर दो पार्टियां पीपीपी और पीटीआई यानी कि इमरान खान और शहबाज शरीफ आमने सामने हैं। देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा दिखाती है। बीते 5 महीने से कार्यकारी सरकार पाकिस्तान को चला रही है। तो देखिए, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा उथल पुथल मची रही है और इसका सबूत यह है कि 76 साल के इतिहास में वहां के ये 12वें आम चुनाव है। और ग्राफिकली हम समझाने की भी कोशिश करते हैं, जिनके लिए 44 पार्टियों में मारामारी लगातार लगी हुई है। देखिए पाकिस्तान में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि आज वोटिंग शुरू होनी है। 44 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। पीएमएलएन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपीपी और पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज शरीफ और इमरान खान के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर जो है वो देखी जा रही है। पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलए यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, दूसरी मुख्य राजनीतिक दल है पीपीपी बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहीं तीसरी पार्टी आपको बता दें जेल में बंद है पूर्व पीएम इमरान खान उनकी पार्टी है, लेकिन तहरीक इंसाफ भी जो इनकी पार्टी है वो अब लगातार जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है झुकाव लोगों का ज्यादा नजर आ रहा है, सिंपथी वोट्स मिल सकते हैं। हालांकि जेल में कैद होने की वजह से इमरान खान के चुनाव लड़ने पर बैन है और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों से उनका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया है, यानी कि इमरान खान की पार्टी के नेता निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पीएमएलएन मजबूत दिख रही है। नवाज शरीफ के 4 साल के बाद लंदन से लौटने के बाद उनकी पार्टी के सितारे बुलंद हैं। पाकिस्तान में हुए सर्वे भी नवाज शरीफ की जीत पक्की दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को नई सरकार मिले ये राह इतनी आसान नहीं है, कई रोड़े हैं इस रास्ते।